जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। जब हमारे निष्कपट हृदय में परमपिता परमेश्वर के लिए निष्काम भाव से प्रेम का प्राकट्य हो जाता है, फिर हर वह वस्तु जो प्रभु प्रेम के मार्ग में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हो, हमारे लिए कष्टदायक पीड़ादायक बन जाती है। यह सच्ची कहानी है भक्तिमती चंद्रलेखा जी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर इनका जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जब नन्ही सी बालिका थी, तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर भाव, शांत वृत्ति, मुस्काती मुख आकृति और सरलता को देखकर ऐसा कोई नहीं था जो उससे स्नेह किए बिना रह सकता हो। उसकी उम्र अभी 5-6 वर्ष की ही थी और वह सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु आए। चंद्रलेखा के भक्त पिता ने उनका भलीभांत स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर सालग्राम का विग्रह था। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा देखने लगी। सरल हृदय की बालिका थी, उसके मन में आया, मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी। और उसने साधु महाराज से बड़ी ही मीठी वाणी में कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दीजिए ना। पाप रहित हृदय चंद्रलेखा बोली, आपकी ही भांति मैं भी उसकी पूजा करूंगी, नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, आरती उतारूंगी, फिर सुलाऊंगी और जब मैं अकेली रहूंगी तब खूब प्यार दुलार करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरा किया करती है। शिशु बालिका की भोली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि ये ही भगवान है, इनका नाम सिलपिल्ले है। बस अब तो चंद्रलेखा के आनंद का पार नहीं रहा। वह अपने सिलपिल्ले भगवान को सिर पर रखकर चली गई और आनंद में मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा को जो भगवान और उनका मंत्र मिल गया, वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। पिता ने एक सिंहासन बनवा दिया, माता ने पूजा का सामान मंगवा दिया, सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का भगवत पूजन और सिलपिल्ले मंत्र का जप निरंतर चलने लगा। माता पिता तथा अड़ोसी पड़ोसी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा किसी की ओर न ताक कर तगद चित्त से पूजा में लगी रहती। अर्थात उसका चित्त हर समय भगवत भक्ति में ही लगा रहता। उसकी आंखों से निरंतर प्रेम अश्रु बहते रहते, परंतु समय तो कभी रुकता नहीं। देखते देखते चंद्रलेखा की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता ने योग्य वर ढूंढकर संबंध कर दिया। बारात आई, विधि पूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा को भांत-भांत के वस्त्र आभूषणों से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकी पर सवार हो गई और अपने प्यारे सिलपिल्ले भगवान की पिटारी को आदर पूर्वक पालकी पर पधरा लिया। चंद्रलेखा ने बात ही बात में यह सुन लिया था कि उसका पति हरिभमुख है, अर्थात नास्तिक प्रवृत्ति का है। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वह रोती हुई ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में नदी के तट पर बारात ठहरी, पालकी भी ठहराई गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी नव विवाहिता पत्नी का मुख देखने के लिए और उससे दो एक मीठी बातें करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन भगवान के अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते रोते कहा, स्वामिन, मैंने सुना है आपका मेरे श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व तो श्री हरि ही हैं। उनसे विमुख होने पर जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद निकेतन परम प्रियतम मेरे प्रभु से प्रेम करें।
आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरणों की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के ये वाक्य बाण से बिंध गए। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रवाह में बहा दिया। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। वह ऊंचे स्वर से रोने कलपने लगी। पत्नी तथा बारातियों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ। उसके हृदय की क्या स्थिति थी इसे दूसरे कैसे समझ सकते हैं। रोती हुई ही वह ससुराल पहुंची। चंद्रलेखा के तो हृदय निधि ही छिन गए हैं। जगत के सारे सुखों के नाश हो जाने पर भी जिन अपने भगवान को लेकर वह सुख पूर्वक जीवन बिता सकती थी उनके वियोग में वह उसकी कैसी दशा होगी इसे और कोई कैसे समझ सकता है। और वह क्यों रो रही है इस बात को बेचारी विषयासक्त ससुराल की स्त्रियां कैसे समझ सकती। उन्होंने तो सोचा पहले पहल बहू ससुराल आती है तब रोया ही करती है, ऐसे ही यह भी रोती होगी अपने माँ बाप घरवार की याद में। दो चार दिनों में अपने ही आप शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा का तो रोना दूसरा ही था, उसकी तो हृदय तंत्री ही टूट गई थी। चंद्रलेखा ने ससुराल में न तो कुछ खाना पीना खाया न ही पानी तक नहीं पिया। आठों पहर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती। आंसुओं के प्रवाह से उसका सारा वक्ष स्थल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण सा मुख कमल सर्वथा मुरझा गया है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई तब उसने बहू से बड़े दुलार से पूछा। इस पर उसने कहा माताजी मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है, उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जब उन लोगों ने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच सकते तब वे लोग उसे लेकर नदी के तीर पर वहीं आए जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा के पति ने कहा हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए हैं परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा। वह तो उसी समय नदी की धारा में बह गई थी, खोजकर उसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या पानी के साथ बहकर कहीं दूर चली गई है। पति ने सोचा मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई है, मैंने तुम्हारे भाव को नहीं समझा, पर अब क्या उपाय है। चंद्रलेखा से उन्होंने पूछा तो चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त सर्वस्व हैं, भक्तार्थ कार्तकर हैं। वह अपने भक्त के निश्चल निष्काम आंसू नहीं देख सकते। जो उनके लिए व्याकुल होकर एक भी आंसू की बूंद बहा देता है उसके सामने प्रकट होने में वे देर नहीं करते। यहाँ तो चंद्रलेखा की रोते रोते आंखें फूल गई थी। भगवान अब कैसे रहते, अकस्मात नदी में एक तरंग आई और जल राशि को भेद करके सिलपिल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वह चंद्रलेखा की गोद में उसके हृदयादेश पर आकर चिपट गई। चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धाड़ किया, सारा कष्ट सदा के लिए बह गया। इस आश्चर्य घटना को देखकर नास्तिक हर विमुख पति का मन भी बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी भक्ति परायणा चंद्रलेखा के इच्छा अनुसार उसके पति को दुर्लभ भक्ति दी। सास ननद का हृदय भी भक्ति रस से द्रवित हो गया। चंद्रलेखा की भक्ति की बाढ़ ने रेतीले रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया। सूखा बगीचा लहलहा उठा। समस्त ससुर कुल का उद्धार हो गया। सत्य ही है किसी भी कुल या परिवार में यदि एक भी सच्चा भगवत भक्त होता है तो यह पूरे परिवार या कुल को तार देता है। तो फिर किस बात के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, किस बात के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं।
आज नहीं तो कल भगवान के चरणों में जाना ही है, क्योंकि उसके बिना उद्धार ही नहीं है। जो भी कुछ दिया हुआ है उन्हीं का दिया हुआ है, उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं है कि हम उनके चरणों की सेवा कर सकें, सब कुछ स्वयं ग्रहण करने से पहले उनको समर्पित कर सकें। इतना तो कर ही सकते हैं, इतने सेल्फिश इतने स्वार्थी मत बनिए। जो कुछ प्रभु का दिया हुआ है उसे पहले उन्हीं को समर्पित कीजिए, उसके बाद स्वयं ग्रहण कीजिए। विनम्र विनती है आपसे हाथ जोड़ करके। अगले किसी वीडियो में किसी नई सच्ची कहानी के साथ, जो होगी ऐसी ही किसी मन लुभावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली, प्रभु के श्री चरणों से जोड़ने के लिए प्रयासरत। मिलते हैं, तब तक के लिए सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करते हुए आनंद मग्न होकर के बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।